बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो एक बहुत बड़ी खुशखबरी पर मुश्तमल है। जिन लोगों का खरोज उदा यानी कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगा हुआ है या फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है और वह कोरोना की वजह से अपने मुल्क को नहीं जा सके, उनके लिए बहुत बड़ी ये वीडियो साबित होने वाली बहुत अच्छी खबर आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए घंटे के निशान को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि असल खबर क्या है। मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और अरब उर्दू न्यूज़ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। सऊदी अरब से वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद अबशर में अंदराज कराएँ, ये खबर है जी। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा और कैसे हम अपने मुल्कों को जा सकते हैं। खादमेन हरिमन शरीफिन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की हिदायत पर अमल करते हुए सऊदी अरब वजारत दाखिला ने कहा है कि वो गैर मुल्की जिन्होंने एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा या फाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल किया हुआ है, यानी कि जिनका खरोज उहदा या फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है, वो अपने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो फौरी तौर पर अबशर पर अपना अकाउंट दर्ज कराएं, यानी कि अबशर अपनी अबशर में दाखिल होकर अपना। खबर एजेंसी एस पी ए के ने वजारत दाखिला की जन्म से जारी बयान के हवाले से कहा है कि ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की जिन्होंने खरोज उहदा या खरोज नहाई वीज़ा हासिल किया है, वो अगर वो कोरोना वायरस की वजह से फिजाई सफ़र पर आयद पाबंदी के बायस अपने मुल्क अपने वतन नहीं जा सके, इनके लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद बयान में कहा गया कि वतन जाने के ख्वाहिशमंद अपने बारे में मालूमात वजारत दाखिला के डिजिटल अकाउंट यानी अबशर पर फौरी तौर पर फीड करें ताकि इनके मामले को निपटाया जा सके, यानी कितने अपराध मौजूद हैं उस हवाले से वो इंतजाम करेंगे। वजारत दाखिला का कहना है कि वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद के लिए खसूसी इंतजाम के तहत मुतलका हुकूमती इदारों से मामला तय किए जा रहे हैं। अबशर अकाउंट पर मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद सफ़र के इंतजाम किए जाएंगे। जब अबशर अकाउंट पर सब दरख्वास्तें मौसूल हो जाएंगे, उस हवाले से वो देखेंगे कि कितने जहाज लगेंगे, क्या क्या इनके लिए करना होगा। तो जल्दी से आप, अगर आपका खरोज उहदा खरोज नहाई लगा, तो आप अपने अबशर से इसका इंदराज कराएं। गैर मुल्कियों के सफ़र के हवाले से फ़िज़ाई सर्विसेज का बंदोबस्त और फ्लाइट कन्फर्म करने के बाद दरख्वास्त गुजार को इनके मोबाइल नंबर पर SMS के ज़रिए इतला फराम की जाएगी। जब सारे इंतजाम हो जाएंगे, फ़िज़ाई यानी कि फ़्लाइट का कन्फर्म हो जाएगा, तो आपको एक SMS मसूल होगा जिसमें फ़्लाइट नंबर और रवानगी का मकाम दर्ज होगा, यानी कि एयरपोर्ट से आप चढ़ेंगे और फ़्लाइट का नंबर और टाइमिंग वगैरह सारा दी होगी। मजीद बरह उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको टिकट खुद से ख़रीदना पड़े। वजारत दाखिले ने अबशर अकाउंट पर वापस जाने के लिए दिए जाने वाली दरख्वास्तों के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए बताया कि हर शख्स या सरबरा, यानी कि हर शख्स जिसका अबशर अकाउंट बना हुआ है या उसका सरबरा यानी कि फैमिली का मेम्बर अपनी फैमिली का अपने ज़ाती अबशर अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद उहदा के प्रवास ब्राउज़र में अकामा नंबर, तारीख पैदाइश, मोबाइल नंबर, रवानगी और पहुँचने के मकामात यानी कि किस एयरपोर्ट से जाना है और कहाँ पर उतरना है, तमाम शहरों का इंदराज करना उसके लिए ज़रूरी है। दर्ज करने के बाद दरख्वास्त को ऑनलाइन जमा कराएं, यानी कि इसको सबमिट कर दें ऑनलाइन। जिन शहरों से परवाज़ें खसूसी चलाई जाएंगी, इनमें से रियाज के शाह खालिद बैनुल अक्वामी एयरपोर्ट, शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा, मदीना मुनव्वरा और दमाम के शहजादा मोहम्मद बिन फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मखसूस किया गया है। बयान में कहा गया कि वह मुसाफिर जो देगर शहरों में मुकीम हैं, इनको करीब तरीन शहर के एयरपोर्ट तक लाने के लिए खसूसी इजाज़तनामे जारी किए गए, जो यानी कि अपने एयरपोर्ट के करीब हैं उनको लाने के लिए, क्योंकि कर्फ्यू की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है, ग्रामा है, तो इसलिए उनको लाने के लिए खसूसी इंतजाम और इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे मजकूरा शहरों में अपनी रवानगी से, ताकि वो अपने मजकूरे शहरों में अपनी रवानगी से कबल पहुँच सकें, एयरपोर्ट पर जल्दी पहुँच सकें। वाजे रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा फैलने से आलमी सतह पर फ़िज़ाई पाबंदी आयद की गई है, जिसके बाद सऊदी अरब में फ़िज़ाई सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। ममलकत में मौजूदा हालात के पेश नज़र इन तारकीन वतन के लिए जो अपने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद और उन्हें फाइनल एग्ज़िट या री एंट्री वीज़ा हासिल किए हैं, इनके लिए वजारत दाखिला ने खसूसी तौर पर इंतजाम शुरू किए हैं। इस हवाले से अबशर अकाउंट पर इंदराज का सिलसिला जारी है, तो जल्दी से इसको आप अपने अबशर अकाउंट में लागन होकर वहाँ से अपना इसका इंदराज कराएँ और अपनी टिकट कन्फर्म कराएँ, ताकि जल्दी से जो हुकूमत को पता चल सके कि कितने आदमी हो गए, उस वाले से वो अपने जहाज़ तैयार करें और
ताकि आप बाद की परेशानी से बच सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट किसी अच्छे और मालूमती वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।